मेरा नाम सोनी है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये मेरी सच्ची कहानी है। मैं आशा करूँगी कि आप मेरी बात को समझें और मुझे गलत ना ठहराएं। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे पति का मेरे साथ बहुत अजीब सा रवैया था। अभी तक मेरा पति मेरे करीब भी ना आया, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते। मैंने ये रात जानने के लिए एक दिन अपनी जगह अपनी ननद को दूध में नींद की दवाई पिलाकर अपनी जगह सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं पिछले 3 घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ बैठ कर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। जब यूं ही झमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहागरात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को करीब से नहीं जाना था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थीं। शादी से पहले लड़का और लड़की करीब नहीं आ सकते, यहाँ तक कि अकेले बैठकर बातें भी नहीं कर सकते। पर मेरी छोटी बहन उनकी बहुत तारीफ कर रही थी कि जीजा जी बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार तो ना जाने मुझे कब से था, और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर 3 घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिशें भी ख़त्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊँ और जाकर देखूँ कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद आने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों की चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सक पका कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे, तभी गला खकार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गई हो। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई थी कि आखिर मेरे पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते? मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी, मुझे लगता है आपको सोना चाहिए, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए भी बहुत अटक रहा था, उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं बात कर रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हों, उन्होंने मुझसे शर्म आ रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी तो बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सस्ती सवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं, और हमारे यहाँ एक रस्म है, शादी के बाद 1 महीने तक पति पत्नी का चेहरा नहीं देख सकता, ताकि उनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे और वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और इसलिए पंडित जी ने भी मेरे नक्षत्र खराब बताए हैं कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है, ताकि तुम उसे ना देख सको। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वो मेरा पति बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आया था तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा गया था।
जिसमें फूलों की लड़ियां में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो ये रात भी गुजर जाने दूं, चंद घंटों की तो बात है, सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के पहले मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड के दूसरे तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी हुई, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरा पति ही नहीं था, वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारे से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ साथ आसपास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी और वह मेरे लिए ही पढ़ रही थी जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था। यह देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई नक्षत्र खराब है। तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़ के फूंक रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वो कहाँ हैं, मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखती हुई कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त 9 बजे से शुरू होता है, फिर 7 बजे वह कैसे चले गए। सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं, क्या पति की शादी में मर्जी नहीं थी, ना ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वो मेरे करीब आए, और ऐसे कैसे चलेगा भला। कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है। मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी सी नज़र दौड़ाकर उसको नमस्ते किया तो वो आँखों से ही जवाब देकर वहाँ से बाहर चले गए और सारा दिन भी यूँ ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर अब कभी उदासी देखी ही नहीं थी। थोड़ी देर में भी वह बहुत खुश मिजाज थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वो तो मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति सास के अलावा एक मेरा देवर और एक ननद भी थी। हम 5 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, ओ भाभी सज धज कर भाई का इंतजार हो रहा है, हमारे लिए भी टाइम निकाल लीजिए। मैंने कहा, सारा दिन तो आपके साथ ही थी, मुझे आपके भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह मुस्कुराकर वापस चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वही खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह बौखला कर नज़र ही बदल लिया था और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरा दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी, वो मुझसे नफरत करते थे, या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। सुरेश दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे से साथ लग गया तो वह फौरन मुझसे इतना दूर हो गए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे से साथ ना लगे। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया और उनके करीब जाने लगी। मेरे हाथ महसूस करते ही फौरन सुरेश ने अपना हाथ छुड़वाया और उठकर खड़े हुए दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आई थी। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की।
पति फौरन गला खकार कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है, ना ही मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ और ना ही मैं आपके पास आ सकता हूँ जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूँ। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं ही गहरी नींद में सोती थी कि मेरी आँख सुबह जाकर ही खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ, लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी, पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उसकी विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पहुँचने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि उनकी छोटी बहन है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए हैं उसने सीधे मुँह बात भी नहीं कर रही, ना ही कभी उनसे मिलने आती है, वो उसके फ़ोन पर रो रो के विनती करती हैं। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बड़ी बहन उनसे मिलने आ गई, मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये महसूस किया था कि सास और देवर दोनों को खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और मेरी ननद भी जल्दी सो जाया करती थी। जब देवर के ये तेवर मौसी ने देखे तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने राम का रिश्ता बचपन से ही मेरी सहेली की बेटी से तय किया था, अब तुम मुझे बताओ कि कब तक उसे बहू बनाकर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे वो राम की शादी अपनी बहन के कहने से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी कि मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी तभी मौसी भी वहीं आ गई, मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, सुरेश नजर नहीं आ रहा, क्या अब तक सोया पड़ा है? कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मिलने की भी इच्छा नहीं हुई है। मैंने कहा, वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को तो वापस कब आता है? मैंने कहा, वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी चुप सी हो गई, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की छोटी बहन का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपकी छोटी बहन किस बात पर इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं लेकिन वो एक कि अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं खाती? मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई, कहने लगी, कौन सी छोटी बहन, हमारी तो कोई छोटी बहन नहीं है, हम बस दो बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास की कोई और बहन नहीं थी तो वो रो रो कर किससे विनती कर रही थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उसने मिल ले, किसी को कुछ भी ना बताए। मौसी भी ना उम्मीद हो गई थी और किसी से कुछ नहीं कहे। मेरी सास कहने लगी कि राम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्यों? तो वो कहने लगी, उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा, अगर मर्जी नहीं थी तो इतने सालों से क्यों बात जोड़े रखी, पहले इनकार कर देते। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने राम से भी कही है, मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ इसलिए उन्हें मेरी कद्र नहीं है, क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कद्र हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछा और चली गई, और सोचा अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपनी पत्नी का ना चेहरा देखा है और ना कोई रिश्ता बनाया है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुँची तो तभी एक कोरियर आया, वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उसे बोला, किसका पेपर आया है, और टटोल कर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी मम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग सोचने समझने की क्षमता सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था? जो पेपर मेरे हाथों में थे वो देख कर तो हकीकत मुझ पर खुली थी। मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर में
बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा वो मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को अच्छे से नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाने के वक्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वो इंसान मेरे कमरे में आया था, जो पिछले एक महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। यह कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ये चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उसे ये सवाल किया कि मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया? मेरे सवाल पर वो हड़बड़ाकर कहने लगा, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपके करीब आना है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, आपको जी भर कर देखना है, प्यार करना है। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी बात को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरी मजबूरी है, और आप इस बात को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ न बोली और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी ननद को ये कहकर अपने पास रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर ननद को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई और वहाँ छुपी जाकर कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी। और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था, तो क्या पिछले एक महीने से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मारे और रोने लगी। उन पेपर में लिखा था कि मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप मुझसे चाहती हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे तय कर दी और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी तुमसे शादी करवा दी। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता था ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है, और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झंझोर के रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया है। मैं आपकी मर्जी के बिना आपसे रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि सुरेश भाई शादी की रात ही भाग गए थे क्योंकि वो माँ की बात से सहमत नहीं थे। मेरी माँ चाहती है कि मैं रात के अंधेरे में आपके साथ रिश्ता बनाऊं और आप माँ बन जाएं, ताकि लोगों को मेरे भाई की सच्चाई कभी पता ना चले कि वो नामर्द है। इसलिए मुझे कमरे में जाने का कहती है ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और आपकी मर्जी के बिना मैं आपके कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी, तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसलिए मेरा इस घर में से कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ महीने बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता राम के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर आपने अपनी बेटी की शादी की भी तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, गलती मेरी है, मैं ही स्वार्थी हो गई थी और सजा आपकी बेटी को काटनी पड़े। मेरी सास ने मुझसे बहुत विनती की कि मैं मान जाऊं। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी राम से करवा दी। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरी सास ने सब कुछ जानते बूझते मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी ताकि उनके खानदान की इज्जत पर कोई दाग ना आए। अब मेरी शादी राम से हो चुकी है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन सुरेश आज तक शर्मिंदगी के कारण घर वापस नहीं आते हैं। मेरी सास उनकी जुदाई में बहुत परेशान रहती है और कहती है ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे मिल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।